अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान रहमान और मेरे सोशल मीडिया चैनल पर आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आमिना, पाकिस्तान की ऐसी बेटी जिन्होंने कराटे में गोल्ड मेडल्स देख सकते हैं कितने पे नाम किए हैं, ये आप लोग अब गिनेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनकी तादाद कितनी है। शील्ड्स आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, इंटर स्कूल की, यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेज की बहुत ज़्यादा शील्ड ऐसी हैं जो पीछे पड़ी हैं। और ये एक ऐसा पाकिस्तान का एक राइजिंग स्टार है जो फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी रोशन करने वाला है। मोटिवेशनल पर्सनैलिटी है, इंस्पिरेशन है पाकिस्तान की तमाम बेटियों की, लड़कियों की, स्पेशली खवातीन की, जो अपने आप को ज़िंदगी में बिल्कुल डेड कर लेती हैं कि भाई अब लाइफ में कुछ नहीं है, अब यही बच्चे हैं, यही बंदा है, इसी को एक्सेप्ट करना है। आपकी लाइफ हर जगह पर टर्न ले सकती है अगर आपके अंदर मोटिवेशन है। आमना, क्या कहना चाहेंगी आप अपनी इस पूरी सक्सेस स्टोरी को कुछ लाइनों में समो दें? मैं ये कहना चाहूँगी, घर बैठने से बेहतर है कि अपने आप को कहीं किसी काम में बिजी करें ताकि आने वाले वक्त में ये चीज़ें आपके काम आती हैं और नस्लें ही बनाती हैं। बेखौफ वाली लाइन भी बताएं जरा, बड़ी सी आपने बताई थी। और एंड पे मैसेज मैं सबको यही देती हूँ, बेखौफ जिंदगी गुजारने के लिए, बेखौफ जिंदगी गुजारने के लिए इंसान का बाकिरदार होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है जी। अब इस लाइन को क्या कैसे डिफाइन किया गया है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप बखुद ही करेंगे ताकि आपको पता चले कि इसके पीछे क्या हिस्ट्री है और इसके क्या करेक्टर है। इजाजत दीजिए मुझे, इतना ही, अल्लाह हाफिज़।